बाहर ममालिक में भी हम जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप एक बार गेट से इंटर होते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि आप वहाँ से निकलने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप इंटर हों तो आप लगता है किसी छावनी में इंटर हो रहे हैं, ना ही बंदूकों के साए में, ना ही संगीनों के साए में तालीम का हसूल नामुमकिन है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप वहाँ पर बंदूक दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना उससे इम्प्रेस होकर वो कलम की बजाय जो है बंदूक का सहारा लेगा। उस बंदूक को वहां से निकालें, उस वर्दी को वहां से हटाएं, एक अच्छा सा माहौल बनाएं जहां पर लोग आने में जो है ना अपने आप को सिक्योर महसूस करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब वाइस चांसलर साहब, इनफोर्स दिस अपीयरेंस कमीशन के हवाले से जो कमीशन बनाया गया है, अराकीन उसाज़ाए कराम, हमारे मुस्तकबिल के मेमारों, स्टूडेंट्स, ख्वातीन हज़रात, बहुत कुछ सुनना, जितना सुनना चाहते थे उससे ज़्यादा आप लोगों ने सुनाया। और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए थे, मेरे ख़्याल में आप लोगों की बातों से हमें वो तमाम शवाहिद और तमाम वो सबूत या एविडेंस जिसको कहा जाता है, वो कहते हैं ना, जब तक आप ख़ुद अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने, तो दूसरों की बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन हमें तो यकीन तो शुरू से था और पुख्ता यकीन था, क्योंकि हम आप लोगों से अलग नहीं थे। जो कुछ आप लोगों ने आज यहाँ पे बयान किया हुआ है, इन 70 सालों से हम लोग ये भुगत रहे हैं। और कब तक हम भुगतेंगे, ये जो हमारा और हमारे आकाओं के दरमियान का जो ताकतवर और कमज़ोर का जो रिश्ता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कब तक कमज़ोर रहेंगे, वो कब तक ताकतवर रहेंगे। और ताकतवर हमेशा ताकतवर नहीं रहता, वो कमज़ोर हमेशा कमज़ोर नहीं रहता। यहाँ पे एक हमारे मौजूद प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जी यहाँ पे खुशबू वाले भी हैं, बदबू वाले हैं। बदबू वाले बहुत हैं भाई, हमारा माशरा पूरा बदबू से जो भर गया है। हम किसी एक को मोरज इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकते। हम उन सिर्फ इदारों के लोगों को मोरज इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते जो तनख्वाहों के लिए बदबू फैलाते हैं। हम अपने इर्द गिर्द भी तो देखें, क्या हमारे अपने खूनी रिश्तेदार, क्या हमारे कौम के लोग, हमारे हमसाएँ, हमारे अजीज व अकाब, क्या वो भी इसी बदबू की नज़र नहीं हुए हैं? क्या वो भी हमारे इन्फॉर्मर नहीं बने हुए हैं? लेकिन हम कब तक खामोश रहेंगे? क्या इस खौफ की वजह से, अगर खामोशी इसका हल है तो हम खामोश रहेंगे, लेकिन क्या उस खामोशी से यह सिलसिला रुक सकेगा? अगर रुक सकता तो आज दिन तक यह रुक गया होता। लब कशाई हमें करनी पड़ेगी और हमें करनी चाहिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। हमें दो टोक अल्फाज में कहना पड़ेगा कि कौन मजलूम है और कौन जालिम है। हम जब खुद मजलूम अपने और जालिम में फ़र्क नहीं करेंगे तो हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट न करें कि वो जालिम को जालिम कहेगा। हम सिर्फ इस खौफ से कि हम उठाए लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदान जो है हमारे नौजवानों से भरे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनको अब जगहों की जब कमी होती है तो फिर उनको मार कर जो उनकी लाशें फेंक देते हैं, वो हम पर रहम नहीं कर रहे। वो हमारे बच्चों को जो फेक इनकाउंटर में मार के फेंक रहे हैं,
वो आप पे हम के रैंक की वजह से नहीं, वो अपना स्कोर पूरा करने के लिए और अपनी जगहों की ना होने की गुंजाइश ना होने की वजह से वो हमें उन हैवानों की तरह जो मार के फेंकते हैं। लेकिन हमें खामोश नहीं होना है और आवाम की ताकत के सामने बड़े बड़े एम्पायर जो है ना वो मिट्टी के ढेर बन गए हैं, बड़ी बड़ी रियासतें जो है ना वो इस सफा हस्ती से ख़त्म हो गई हैं। वो किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं, उन मजालिम की वजह से, और उन मजालिम की वजह से जब अवाम सरेपा एहतजाज हुई हैं तो वो बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी जो है उनके सामने जो है घुटने नहीं टेक खड़ा कर सका। जो शिकायतें हमें मिली हैं, वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम हैं आप, हमारे लिए हमारे नज़दीक तमाम वो साज़ा कराम, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से उनका ताल्लुक हो, चाहे हमने वहाँ पर तालीम हासिल की है नहीं की है, लेकिन एक उस्ताद का रुतबा जो है ना हमने हमेशा उसको एक अपने वाल्द की तरह जो है समझा हुआ है, उसको काबिले एहतराम हमने समझा हुआ है। लेकिन जो शिकायतें हमें मिली हैं, ये जो बलाएं जो आ रही हैं जी, जो पेनिट्रेशन जो कर रही हैं हमारे पॉलिटिकल माहौल में, उन्होंने इस तरह की पेनिट्रेशन की, और उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी सियासी लोगों की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि उनके लिए गुंजाइश छोड़ी। कभी हम उनको वापडा का मौका दे देते हैं कि जी हाँ नहीं आप काबिल लोग हैं, आप वापडा को संभालें। कभी हम उनको अपना मिलिट्री जो प्रिंस मिलिट्री सेक्रेटरी बना देते हैं, कभी आपके बगैर जो है ये मुल्क नहीं चल सकता। कभी हम उनको ऐसे ऐसे मौकमों में तायुनात करते हैं जो रिटायर हैं, जो रिटायर से भी रिटायर्ड हैं, उनको जो है हम वो मौकमे उनके हवाले कर देते हैं। पहले उनसे तो ये पूछा जाए कि जिस इदारे में तुम भर्ती हुए थे वहां पे तुमने कौन से तीर मारे हैं, जिस इदारे में तुम्हें बैजेस लगाए गए हैं क्या वो बैजेस तुम्हें किसी दुश्मन ममालिक की सरजमीन को फतेह करने के लिए दिए गए हैं या इस मुल्क के आईन या कानून को तोड़ने के लिए तुम्हें दिए गए हैं? कोई उनसे ये सवाल तो पूछे कि तुम आपकी काबिलियत क्या है जो हम आपको वापडा हवाले सिर्फ मराद के लिए, उनको खुश करने के लिए कि उनको राम करेंगे, अगर वो राम हो गए तो हम चैन की नींद जो है इख्तदार की कुर्सियों पर जो है आराम से हम सो सकेंगे। यही हमारी पॉलिटिकल लोगों की जो है कमजोरियां हैं और उसका जो है खमीजाम आज दिन तक भुगत रहे हैं। और इसी तरह हमारे इदारों में, सिर्फ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इदारे हैं हमारे बाहर ममालिक में भी हम जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में आप एक बार गेट से इंटर होते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि आप वहाँ से निकलने का सोच ही नहीं सकते, इस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया होता है। लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आप इंटर हों तो आप लगता है किसी छावनी में इंटर हो रहे हैं, ना ही बंदूकों के साय में, ना ही संगीनों के साय में तालीम का हसूल नामुमकिन है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप वहां पर बंदूक दिखाएंगे तो वो स्टूडेंट जो है ना उससे इम्प्रेस होकर वो कलम की बजाय जो है बंदूक का सहारा लेगा। उस बंदूक को वहां से निकालें, उस वर्दी को वहां से हटाएं, एक अच्छा सा माहौल बनाएं जहां स्टूडेंट जब वहां पर इंटर होता है, या आम मैंने कभी भी नहीं देखा कि जी किसी भी इदारे के गेट पर आपने सिक्योरिटी फोर्सेस रखी हों, आपकी जामे तलाशियां होती हों, कहीं भी मैंने नहीं देखा। लोग तफरी के लिए बैरून ममालिक हम गए हैं, लोग तफरी के लिए जो है ना उन यूनिवर्सिटियों में जो तफरी के लिए जाते हैं, स्टडीज के लिए जाते हैं, उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल जो करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे देखें कि जी एफ सी के कर्नल को जो है कौन सी वर्दी पहनी हुई है और उसने जो है वाइस चांसलर के जो है घर पे कब्जा किया हुआ है। मुल्क तो उनके कब्जे में था, इंस्टीट्यूशन भी उनके कब्जे में है, हमारे घर बच्चे भी उनके कब्जे में है, रह क्या गया है हमारे लिए? इसके खिलाफ जो है हमें आवाज उठानी पड़ेगी।
हमें जो मैंडेट दिया गया, जिस तरह के अफसर से आप खटक साहब ने कहा है कि हम एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो कमेटी के मेम्बरान हैं वो एक ऐसी तारीखी रिपोर्ट मुरतब करेंगे जो आने वाले दिनों में जो एक तारीख बन के रह जाएगी। एक जो इशू है जो पिछले अदवार में जो वाइस चांसलर थे हमारे साहब का, उसके अदवार में जो हमारी तुलबाओं के कमरों में या उनके वॉशरूम में जो कैमरेज नसब किए गए थे, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें हमारे एमपीए सना बलोच भी थे और हमारे एमपीए शकीला नवीद भी थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग, एक तो रिपोर्ट हुए जो हमारे सरबरान उस कमेटी के सरबरान ने दी थी, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, हम आपकी वो रिपोर्ट रिटर्न में देना चाहते हैं। दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ दिस कमीशन, हम वो देना चाहते हैं। आप तमाम हजरात का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहें और उम्मीद उनसे न रखें, उम्मीद खुदा से रखें और उन पे उम्मीद रखें जिनका ज़मीर ज़िंदा है। बड़ी मेहरबानी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।